कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम। कल 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसका जो नतीजे हैं वो तो कल शाम को पता चलेंगे, लेकिन हम गूगल ट्रेंड्स के ज़रिए देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो सर्वे के मुताबिक किसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो चले हम गूगल के ऊपर चलते हैं। देखिए, आप सबसे पहले आपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है trends.google.com, trends.google.com। ये मैंने पहले सर्च किया तो पहले नंबर पर खड़ा था, ये पहले वाले को आपने क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको इस तरह की शो होगी, यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक्सप्लोर। एक्सप्लोर के अंदर आप लिखेंगे पाकिस्तान इलेक्शन 2024, तो ये नीचे पाकिस्तान इलेक्शन 2024 जो है, ये मैंने इसको सर्च किया। इसको सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह शो हो जाएगा, पाकिस्तान इलेक्शन के नीचे आपको शो होगा कंपेयर। तो आपने कंपेयर, तीन पार्टियाँ, मेन पीपल्स पार्टी है, PTI है और नवाज लीग है। तो हम सबसे पहले पीपल्स पार्टी को लिखते हैं। नंबर टू पे इस तरह आप कंपेयर करते जाए, नंबर टू पे हमने यहाँ पे लिख दिया नवाज लीग लिख दिया। नंबर थ्री पे हमने लिख दिया जो इन सब का मतलब बाप जाना जाता है, PTI, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन, ये लिख दिया मैंने PTI। आपने पाकिस्तान इलेक्शन, इसको ग्राफ के अंदर शो करने के लिए आपने पाकिस्तान इलेक्शन 2024 को यहाँ से रिमूव कर देना है, और नीचे आपको इस तरह का ग्राफ शो हो जाएगा, ये देखिए ग्राफ। तो आपने कर दे तो ये आपके पास ये शो हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए किस तरह क्या आ रहा है, 89% जो है वो आपका PTI ग्राफ शो कर रहा है। कर रहा है और 1% नून लीग है और 6% गजब बेइज्जती है, 6% जो है वो क्या है, वो पीपल्स पार्टी है। तो ये है गूगल्स के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन, लेकिन पाकिस्तान के नतीजे जो है वो चेंज होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। Yeah.